हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सबको। मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं सब? घर में है ना? चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी किचन में जो हमारा वेस्टेज निकलता है उसका मैं क्या करती हूँ। ठीक है, एक मैंने आपको पहले भी वीडियो बताया था उसमें कि उसको मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ अपने गमले में और एक फर्टिलाइज़र बन जाता है वो पौधों के लिए। और इसका एक और तरीका मैं करती हूँ और वो है ये दो डिब्बे हैं, नीचे का डिब्बा और ये ऊपर का डिब्बा। ऊपर के डिब्बे में हमने ये छोटे छोटे छेद आपको दिख रहे होंगे ऐसे, और इसके नीचे में इसी ऊपर वाले डिब्बे के नीचे भी हमने छेद किया हुआ है। वो भाई ने करके दिया है, उसी से मैं यही काम करवाती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है उसके लिए, उसी से करवाती हूँ। वो बना के दिया मेरे को डिब्बा, और इस ऊपर वाले डिब्बे में हम सारा कचरा फेंकते हैं, मतलब रखते हैं उसमें, और वो गल के सीधा नीचे में जो हमने छेद किया हुआ है, भाई ने जो छेद किए करके दिया है डिब्बा मेरे को, उसमें से वो छन के नीचे ऐसे आ जाता है नीचे वाले डिब्बे में। ये देखिए, इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं 6 महीने तक। अगर आप अगर इसको स्टोर करते हैं तो ये और भी स्ट्रांग हो जाता है। आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं डाइल्यूट करके पानी में मिला के। इसको हम डायरेक्ट पौधे में भी डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देती हूँ, उसमें प्लांट हमारे ग्रीन हो जाते हैं, उसके पत्ते और भी अच्छे खूबसूरत, फूल बहुत ही अच्छे कलर आते हैं उसके फूलों के। तो ये एक तरह से हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन जाता है जो कि हम वेस्टेज को लेके बाहर फेंकते हैं। वो अगर नहीं फेंक के हम इसमें अगर स्टोर करें तो। ये मैं छोटे डिब्बे में करती हूँ, आप बड़े डिब्बे में भी कर सकते हैं। गार्डन अगर आपका बड़ा है तो आप उसमें भी एक गड्ढा खोल के उसमें भी डाल सकते हैं। उसमें थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी डालेंगे आप। ये हमारा खाली पानी स्टोर के लिए, मैं उसमें पानी मेरे को चाहिए ये वाला, तो उसके लिए मैं इसको ऐसे करके बनाई हूँ। और अगर आप डायरेक्ट ये डाल सकते हैं मिट्टी में तो भी अच्छा है, डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हल्का, एकदम हल्का सा स्मेल रहता है, वैसे कुछ बहुत ही गंदगी वाला स्मेल नहीं रहता है। हाँ, इसमें आप नॉनवेज मत डालिए, ठीक है। और इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे ये स्प्रे का बॉटल है मेरा, इसमें मैं ये कप में निकाल के स्प्रे के बॉटल में मैं एक कप डालूँगी और पूरा फुल पानी डाल के उसको पौधों में स्प्रे भी कर सकते हैं। और इसमें से हमारे जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो भी भाग जाते हैं। ठीक है, आप भी बनाइए और मेरा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।